सो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है कि मतलब एक रिजिड टैंक है जो कि इंसुलेटेड है, ठीक है। वॉल्व के थ्रू वो एक सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ठीक है। और जो स्टीम फ्लो कर रही है टैंक में, उसकी कंडीशंस है मतलब वो उसका प्रेशर है 15 bar और टेम्परेचर है 280 डिग्री सेल्सियस। ये जो स्टीम फ्लो कर रही है पाइप में उसकी कंडीशंस है, और ये रिजिड टैंक एडियाबेटिक है, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसमें से, ठीक है, इसका ये मतलब है। और इवैक्यूएटेड भी है इनिशियली, मीन्स M1 0 है इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। और ये टैंक का वॉल्यूम रिजिड है तो V1 V2 सब सेम ही रहेगा, सो इसको हम V मान लेते हैं। तो V इज इक्वल टू 10 m³, ये वॉल्यूम है, ठीक है, टैंक का। देन बाद में क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में कि जब मतलब ये वॉल्व ओपन किया हमने और यहाँ की स्टीम टैंक के अंदर जा रही है, मतलब फ्लो हो रही है, और जब इसकी फाइनल स्टेट मतलब इसमें प्रेशर जब 15 bar हो जाएगा, तब कितना मास यहाँ से यहाँ एंटर किया M2, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले सपोज करते हैं कि मतलब ये स्टीम का मास फ्लो रेट दिया है हमें, मतलब M.S मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम मान लेते हैं, ठीक है। ये स्टीम का मास फ्लो रेट हो गया, तो M1 तो 0 है, मतलब टैंक के अंदर इनिशियली कोई मास नहीं है, और M2 ये फाइनल मास है। तो मास कंजर्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, समेशन M.in, कंजर्वेशन इक्वेशन लगाएंगे तो समेशन M.out इज इक्वल टू DM/dt Cv, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल, इतना कंट्रोल वॉल्यूम मान लेते हैं हम इसको, रिजिड टैंक को। तो अंदर क्या आ रहा है, M.S मतलब स्टीम अंदर आ रही है इतना, बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और DM/dt Cv मतलब फाइनली M2 था, फाइनली M2 हो गया, इनिशियली M1 अपॉन, सपोज ये सब टी टाइम में हो रहा है, तो मास कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये आएगा, मतलब M.S(t) इज इक्वल टू M2, क्योंकि M1 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमको M2 मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो E.in - E.out इज इक्वल टू DE/dt Cv, ठीक है। तो अंदर एनर्जी मतलब हम मतलब ये प्रॉब्लम में दिया नहीं है, बट हम निकाल भी नहीं सकते किसी तरीके से, तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टीम की है उसको नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब उसमें चेंजेस नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। तो M.SHS मतलब स्टीम के साथ जो टैंक में एनर्जी अंदर आ रही है वो उसकी एंथैल्पी के थ्रू आ रही है, और बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है तो 0, और कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब M2/t (U2) - M1/t (U1), ओके। बट M1 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो M.S(t)(HS) इज इक्वल टू M2 U2। तो हमने जो ये पिछला इक्वेशन निकाला था इसको यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो हमें HS और U2 की वैल्यू बराबर मिल जाएंगी। तो इससे क्या फायदा हुआ, मीन्स जो हमारी फाइनल कंडीशन है मतलब टैंक में, मतलब हमें जो स्टीम फ्लो हो रही है उसकी कंडीशंस पता है कि वो 280 डिग्री सेल्सियस पर फ्लो हो रही है और प्रेशर 15 bar है, मतलब ये कहीं ना कहीं सुपर हीटेड टेबल मतलब स्टीम के सुपर हीटेड टेबल से हम ये निकाल सकते हैं, ये वाली मतलब इस कंडीशन पर स्टीम की एंथैल्पी क्या होगी HS,
एचएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एचएस निकलने के बाद हमारी यू टू की वैल्यू आ जाएगी, तो हमें टैंक में फाइनल स्टेट में किस चीज़ की वैल्यू पता है, हमें यू टू पता है और प्रेशर पता है, ठीक है, तो दो चीज़ें पता है हमें, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे स्टेट टू पे, ठीक है। तो इनिशियली तो टैंक था एम्प्टी, तो टैंक एम्प्टी था तो उसमें इनिशियली कुछ मास था नहीं, तो फाइनली इसमें फाइनली टैंक में स्पेसिफिक वॉल्यूम है वी टू, और टैंक रिजिड है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम हमेशा वी ही रहेगा, तो फाइनल मास क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। इसका यूनिट है मीटर क्यूब, इसका मीटर क्यूब पर केजी, तो हमारा केजी में आ जाएगा एम टू। तो मतलब हम ऐसे प्रोसीड करेंगे तो एम टू की वैल्यू आ जाएगी जितनी आंसर में दी है केजी में, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ जा सकती है आपको, तो ये जो स्टेट है 280 डिग्री सेल्सियस और 15 बार, ये आपको हो सकता है स्टीम टेबल में डायरेक्टली ना मिले, तो आपको क्या करना पड़ सकता है, इंटरपोलेशन, मतलब इससे थोड़ा ऊपर वाला और इससे थोड़े नीचे वाले के बीच में, मतलब लीनियरली, मतलब एक मिनट मैं इरेस करता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको, मतलब सपोज कीजिए इंटरपोलेशन मीन्स कैसे, सपोज कुछ ऐसा, सॉरी वन मिनट, एक मिनट, तो सपोज कीजिए ये प्रेशर है 15 बार, ठीक है, 15 बार का प्रेशर है, तो हमारा स्टेट कुछ यहाँ पे आ रहा है 280 डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअल में लीनियर होता नहीं है, बट हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसको निकालने का, तो हम इसको लीनियर मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारी एक्चुअल स्टेट है, तो हमें ये स्टेट मालूम है नहीं, तो इसके जस्ट पिछले वाली और जस्ट इसके आगे वाली ये दो पॉइंट हमें पता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन हमें पता है, तो सपोज कीजिए हमें क्या क्या पता है, मतलब इस पे प्रेशर और टेम्परेचर पता है और हमें एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हम मतलब y को एंथैल्पी मान लेंगे, ठीक है, तो ये इसके पहले वाले किसी स्टेट पे एंथैल्पी ये एच वन हो जाएगी और इसके बाद वाले किसी स्टेट पे एंथैल्पी एच टू हो जाएगी। सिमिलरली इसको हम टेम्परेचर भी ले सकते हैं और प्रेशर भी ले सकते हैं, मतलब टेम्परेचर प्रेशर में से दोनों भी कोई एक ले सकते हैं इसके आगे और पीछे वाले स्टेट को, ठीक है, यही प्रॉब्लम जाएगी आपको, इंटरपोलेट करना पड़ेगा, और फिर ये पूरा मतलब सिंपल है, जैसे फ्लो आ रहा था प्रॉब्लम का, आप लोग वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू, कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए।